और यहाँ के आने वाले सभी सम्मानित किसानों ने, अन्नदाता किसानों ने कहा था नहीं, हमें विकास चाहिए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल चाहिए। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि सचमुच आप विकास के पक्षधर हैं, तो एक काम करना कि जेवर एयरपोर्ट के लिए बनने वाला जो एयरपोर्ट है उसके लिए जो जमीन है, उस जमीन की रजिस्ट्री के कागज एक महीने के अंदर आप यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में आकर के मुझे दे देंगे, तो मैं मान लूंगा कि आप लोग सचमुच एयरपोर्ट बनाने के पक्षधर हैं। और उन्होंने किया था, और मैं आज इसीलिए आया हूँ। आज हम यहाँ पे आए हैं, आज यहाँ पे 1718 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी है, सड़क से भी है, ड्रेनेज से भी है, यहाँ के अन्य अवस्थापना सुविधाओं के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, लेकिन साथ साथ इस जनपद के समग्र विकास के लिए अथॉरिटी के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की वह एक झलक भी प्रस्तुत करता है। भैया बहनों, मैं यही आश्वासन देने के लिए भी आया हूं, किसानों की समस्या का समाधान हमारी शीर्ष प्राथमिकता है, और सकारात्मक योगदान संवाद से समस्या का समाधान हो जाए, संवाद के माध्यम से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। आखिर हम लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, इसके लिए नकारात्मक ताकतों को बीच में नहीं आने देना है। जो लोग विकास के विरोधी हैं, आपके कंधे पे बंदूक रख करके केवल अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, विकास को बाधित करना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन लोगों को सफल नहीं होने देना है। हम संवाद के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करें, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बायर और बिल्डर से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए भी एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। इस समस्या का भी समाधान होगा, क्योंकि यहाँ के विकास के लिए यह आवश्यक है। और इन सभी समस्याओं का सकारात्मक रूप से समाधान के किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच सके, इसके लिए जनता जनार्दन का योगदान, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और साथ साथ सभी प्रकार के प्रशासनिक अथॉरिटी, शासन से जुड़े हुए अधिकारियों का बेहतर संवाद इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यह आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में संभव है, यह हमने करके दिखाया है और इसके परिणाम भी बहुत शीघ्र आप सबके सामने आएंगे। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, 9 वर्ष की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की उपलब्धियां बेमिसाल है, खुशहाल भारत की एक नई नींव रखने वाले हैं, और समृद्ध और खुशहाल भारत की इस नई नींव के लिए हम सबको भी मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत के निर्माण के लिए, समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान देना होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से इन सभी योजनाओं की बधाई देते हुए, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए गौतम बुद्ध नगर वासियों का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सुन रहे थे आप सीएम योगी को, जिन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और 9 साल की जो उपलब्धियां रही हैं केंद्र सरकार की, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और हर एक वर्ग के बीच हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कोविड काल का भी जिक्र किया कि किस तरीके से वैक्सीन पहुंचाई गई, साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो मथुरा दौरे में थे और जब लगातार बारिश हो रही थी और जब वो यहां पर आए तो बारिश भी रुक गई। यानी कि उन्होंने जिक्र किया कि हम लोग ये विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता भी सुनने के लिए पहुंची थी। और साथ ही उन्होंने जो जो परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं उसका भी जिक्र किया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, इस बात की भी बात करी। दुनिया भर से कंपनियां नोएडा आ रही हैं, ये भी उन्होंने कहा। और धीरे धीरे विकसित किस तरह नोएडा हो रहा है इसका जिक्र किया। जैसे मौसम ठंडा है वैसे ही
जो यहाँ के माफिया हैं वो अब ठंडे पड़ गए हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने कानून व्यवस्था की बात की कि किस तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत हो गई है और मौसम यहाँ ठंडा है और जितने माफिया हैं वो भी ठंडे हो गए हैं। तो शुरुआत में ही जैसे ही जनसभा को संबोधित करना उन्होंने शुरू किया, इस बात का उन्होंने जिक्र किया पीएम मोदी ने किस तरह काम किया है, अपने विजन को किस तरह देश और विदेश में भी लेकर जा रहे हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि भारतीय परंपरा का मान कैसे बढ़ा रहे प्रधानमंत्री, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। 80 करोड़ लोगों को 3.25 साल से फ्री राशन की सुविधा मिल रही है, इस बारे में भी उन्होंने कहा। भारत के साथ बना पाकिस्तान एक एक रोटी के लिए तरस रहा है, लेकिन भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत कर रहा है, इस बारे में भी उन्होंने इस जनसभा में कहा है। पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर, इन जनपदों में मैं गया था, बड़ी गर्मी थी। लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी, लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा, जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए वैसे मौसम भी ठंडा हो गया है। भारत की शानदार यात्रा और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच के नाते, अपनी विध्वंसात्मक सोच के नाते भूखमरी और दलिद्रता की एक नई कहानी रचता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं आने वाले समय में अपने नई कृत्यों के नाते पाकिस्तान भी वैसे ठंडा न हो जाए जैसे यहां के माफिया ठंडे हो गए हैं। कोई कारण नहीं, आप देखना ये उधर बढ़ रहा है। आज ही के दिन 48 वर्ष पहले कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया था। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था और उस समय जो आवाजें मुखर हुई थी, मीडिया जगत का एक प्रखर नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक के नाम से आज एक मार्ग का लोकार्पण करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। बलराम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बलराम, अब अगला क्या कार्यक्रम है सीएम योगी का? देखिए, आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। वहां पर जो अधिकारियों के साथ उनकी बैठक आयोजित है उसे संपन्न करेंगे, क्योंकि अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि G20 को लेकर के किस तरीके की तैयारी जिले में की जा रही है, विकास कार्य जो निर्धारित है वो तय समय पर पूरे होंगे कि नहीं होंगे, उनमें क्या दिक्कत आ रही है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये समीक्षा बैठक है, पुलिस के साथ भी बैठक होगी और पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत करेंगे कि कानून व्यवस्था किस तरीके से जिले में चुस्त और दुरुस्त है, कहां दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आज उन्होंने नोएडा पुलिस को एक बड़ी सौगात भी दी है, करीब 55 नए वाहन नोएडा पुलिस को दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक बड़ी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास को कर रहे हैं और आज जिस तरीके से नोएडा स्टेडियम से उन्होंने 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है वो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर की जनता के लिए ही नहीं बल्कि दिल्ली NCR की जनता के लिए भी लाभदायक होगा। और अब वो कानून व्यवस्था समेत जो परियोजनाएं आयोजित की गई है, जो परियोजनाएं लंबित है उनमें देरी क्यों आ रही है, उनमें कैसे तेजी आए, इसका फीडबैक भी अधिकारियों से लेंगे और जिन परियोजनाओं का उन्होंने आज शिलान्यास किया है वो तय समय पर कैसे पूरी होंगी।